हमारा आज का टॉपिक है चरक सिद्धि स्थान का नौवां अध्याय है, त्रिमर्मीय सिद्धि। इम्पोर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले इसमें देखिए 3 नंबर श्लोक, 3 नंबर श्लोक में पहले 2 वर्ड हाईलाइट कर लीजिए आप। सप्तो उत्तरम मरम शतम अस्मिन शरीरे, यानी इस शरीर में क्या होते हैं 107 मर्म बोले। कौन से हैं वो? स्कंद शाखा समाश्रितम, जो स्कंद आश्रित हैं और शाखाओं में आश्रित है। शाखाएं मतलब हमारे अपर और लोअर लिम्स हैं जो वो, और स्कंद मतलब जो ट्रंक एरिया है और हेड और नेक है उसके लिए आया। तो शंख और सॉरी शाखा और स्कंद आश्रित होते हैं। फिर सेकेंड लाइन में देखना मिड की तरफ क्या लिखा है, चेतना निबंध विशेषता, यानी इनको मर्म क्या बोला है। जैसे बोलते ना घात लगने से मर्मों पे वेदना होगी या मृत्यु, ऐसे सब कुछ हो जाती है मर्म पे आघात लगने पर। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि चेतना निबंध विशेषात, इन चेतना का जो हमारी चेतना धातु है वो मेनली मर्म के साथ संबंध करके रहती है। तो वहां पे अगर आघात हुआ तो वेदनाएं होंगी या मृत्यु भी हो सकती है। तत्र शाखा आश्रितेभ्यो मर्मेभ्य स्कंद आश्रितानि गरियांसि, यानी जो शाखाओं में आश्रित मर्म है उनसे गरियान उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे स्कंद आश्रित। शाखा नाम तद आश्रित्वात् स्कंद आश्रितेभ्यो अपि, क्योंकि क्या होती हैं जो हमारी शाखाएं हैं वो भी तो स्कंद आश्रित होती है। हमारे जो अपर लिम्स है, देखिए लोअर लिम्स है, वो कहाँ लगे हुए हैं? ट्रंक एरिया से लगे हुए ना। तो शाखाएं किसके? स्कंद के आश्रित होती हैं। इसलिए स्कंद वाले मर्म जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट है एज कम्पेयर टू शाखा। उनमें भी हाईलाइट करना हृदय वस्ती शिरांशी तद मूलत्वात् शरीरस्य, यानी जो हृदय है बस्ती है और शिर है ये प्रधान होते हैं, क्योंकि ये सिर के शरीर सॉरी शरीर के हमारे मूल मर्म है। आप पेज के टॉप पर लिखिए प्रधान मर्म, प्रधान मर्म ऑब्लिक करके लिखना त्रिमर्म, प्रधान मर्म या त्रिमर्म पूछे तो हृदय बस्ती और सिर है, हृदय बस्ती और शिर। महामर्म लिखिए, महामर्म हृदय बस्ती और नाभि। महामर्म हमारे 3, हृदय बस्ती नाभि प्रधान, या त्रिमर्म पूछे तो हृदय बस्ती और शिर आता है। फिर नेक्स्ट है हमारा 4 नंबर श्लोक में। अब ये क्या करेंगे, इस चैप्टर में त्रिमर्मीय सिद्धि नाम है ना, तो ये जो तीनों मर्म है हमारे, पहले इनका इंट्रोडक्शन देंगे कि कैसे कैसे ये होंगे, कितने होते हैं पूरी बॉडी में मर्म, फिर इनकी लाघात हो जाए तो क्या, तो स्पेसिफिक डिजीजेज हैं बस्ती में होने वाली कौन सी, हृदय में होने वाली कौन सी, या सिर में होने वाली, तो उनको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले देखिए 4 नंबर श्लोक, पेज नंबर 1051, 1051 पे 4 नंबर श्लोक में हम पढ़ रहे हैं, तत्र हृदय दश धमन्य। हृदय में क्या है? दश धमनियां होती हैं, प्राण अपान मन बुद्धि चेतना महाभूतानी नाभि अमराव इव। जैसे आपने पहिया देखा होगा ना, जो साइकिल है जैसे उसका जो टायर होता है उसमें बीच में क्या होता है, बीच वाला जो एक्सिस है, सारी जो लगे होते हैं बीच में सेंटर होता है ना एक सभी का, तो जिस प्रकार वो बीच में एक वो लगा होता है ना, नाभि में आरा लगे रहते हैं ऐसा बोला, उसी प्रकार हृदय में हमारी 10 धमनियां प्राण अपान मन बुद्धि चेतना और ये जो महाभूत हैं ये लगे होते हैं। फिर सेकेंड लाइन में शिर के लिए क्या, ये थोड़ी सी ना आपको जो उपमा दी है वो याद रखनी है कि नाभ्याम अमरा इव, ये दी है हृदय के लिए। फिर सिर के लिए क्या दिया, शिरसी इंद्रियाणी इंद्रिय प्राण वाहनी च श्रोतांसी सूर्यमीव गर्भस्तय संश्रितानी, जैसे सूर्य है जो सूर्य होता है हमारा, उससे किरणें बंधी होती है सूर्य की, क्या जो किरणें होती हैं वो लगी हुई होती है ना सूर्य से, उसी प्रकार सिर है जो हमारा, उसमें इंद्रियां इंद्रियां जो है ज्ञान इंद्रियां इंद्रियां या फिर प्राणवाह श्रोत सब कुछ बंधे होते हैं ऐसे ही। फिर आता है थर्ड लाइन में बस्तीशु, जो बस्ती है वो क्या होगा, स्थूल गुद मुष्क सेवनी शुक्र मूत्र वाहिनी नाड़ी नाम मध्य मूत्र धार अम्बु वहा नाम सर्वश्रोत सामुद्ग अधिरिव आप गम नाम प्रतिष्ठा। जैसे जो समुद्र होता है वो सभी नदियों का आधार है, मतलब सभी नदियां जाके कहाँ मिलेंगी, समुद्र में। उसी प्रकार हमारे जो बस्ती है उसके लिए क्या बोला गया कि बस्ती
जो है वो स्थूल गुद अंडकोश सेवनी शुक्रवाशोत्तस या मूत्रवाशोत्तस के मध्य में होता है ये, और ये हमारे मूत्र का आधार है, जलवा जो भी स्रोतस है उनका आधार है, जिस प्रकार नदियों का आधार समुद्र है। फिर बहु भी तन मूलम संगे श्रोत्साम गमनमीव दिनकरे व्याप्तम इदम शरीरम, बोलते हैं कि ये सभी के लिए एक एक उपमा बता दी। फिर लास्ट में क्या बोलते हैं कि जो हमारा सूर्य है उसके लिए बोला कि जिस प्रकार सूर्य की किरणें सारे आकाश में व्याप्त होती हैं, उसी प्रकार ये जो हमारे शरीर है ये स्रोतों से व्याप्त है, और उन स्रोतों का मूल कौन है, मर्म को बोला गया। तो हमारे जो मर्म है वो कौन से, हृदय बस्ती और सिर को बोला, त्रिमर्म पूछे या प्रधान मर्म। अगर महामर्म पूछ लिया जाए तो वो होते हैं हृदय बस्ती और नाभि, सिर नहीं आता वहां पे। फिर महामर्म में हृदय बस्ती और नाभि है, त्रिमर्म हमारा हृदय बस्ती और सिर। नेक्स्ट है उसके बाद हमारा 5 नंबर श्लोक में, इसमें देखिए फर्स्ट लाइन लास्ट में हाईलाइट करना, आश्रय नाशाद आश्रितस्य अपि विनाश हो, यानी आश्रय का नाश अगर हो गया तो आश्रित का भी नाश हो जाता है। ठीक है, ये सिद्धांत मतलब मर्म के नाश का महत्व यहाँ पे बोला, कि हमारा जो शरीर है या जो चेतना है वो विशेष प्रकार से कि हाँ मर्म पे बंधी हुई होती है ना, तो अगर हमारे आश्रय का ही नाश हो जाएगा, सपोज किसी का घर है ठीक है जहाँ वो रहता है, तो उसका ही नाश हो गया तो उसका खुद का भी नाश हो जाएगा ना जल्दी, तो बोलते आश्रय का नाश होने से आश्रित का भी नाश हो जाता है। आप यहीं पे स्टार लगा के लिखिए, आश्रय आश्रयी भाव, आश्रय आश्रयी भाव, एरो करके लिख लीजिए, भागवत की देन। बताया देखिए यहाँ पे आचार्य चरक नहीं है पहले तो, कि आश्रय का नाश हो गया तो आश्रित का भी हो जाएगा, लेकिन ये अलग से लिख के कहीं सिद्धांत के फॉर्म में ऐसे दिया नहीं है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आश्रय आश्रयी भाव किसकी देन है, तो भागवत की देन है, वो आप टिक करेंगे। नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर श्लोक, 6 नंबर श्लोक को हिंदी में देखेंगे हम, ये जो मर्म है अब इन पर आघात के क्या लक्षण होंगे वो बताए यहाँ पे। इसमें है हृदय पर आघात के लक्षण, देखिए पहले हृदय पर अगर आघात हो गया तो काश श्वास बल क्षय कंठ का सूखना क्लोम का अधो भाग में कर्षण की तरह वेदना जीवा बाहर निकलना मुख तालु सूखना अपस्मार उन्माद प्रलाप संज्ञानाश ये सब। फिर सिर मर्म पे अगर आघात हो गया तो मन्या स्तंभ अर्दित नेत्र ब्रह्म मोह सिर द्वेष्टन संज्ञानाश काश्वास इससे भी होता है। तो काश्वास हमारा हृदय पर आघात और सिर पर आघात दोनों की वजह से। फिर देखिए एक दो लाइन छोड़ के बस्ती मर्म अभिघात लक्षण करके लिखा, तो उसमें हमारी अपान वायु मूत्र मल इनकी रुकावट वंक्षण या मूत्र इंद्रिय बस्ती इनमें शूल होगा उदावर्त गुल्म आदि ये सब व्याधियां हो जाएंगी। फिर है हमारा नेक्स्ट 7 नंबर श्लोक, 7 नंबर श्लोक में देखिए सेकंड लाइन में आपने हाईलाइट करना, देखना मिड की तरफ लिखा है, तस्मान न बस्ती समम किंचित कर्म मर्म प्रतिपालनम अस्ति को आपने हाईलाइट किया। यहाँ पे क्या बोला कि जो मर्म है उनमें वायु की रक्षा विशेष प्रकार से करनी चाहिए, तो बस्ती कर्म के बराबर कोई अन्य कर्म नहीं है, किसकी, मर्म की रक्षा के लिए, ये वर्ड आपने हाईलाइट किया। तस्मान ने बस्ती समम किंचित कर्म मरिम परिपालनम इति, आप पेज के टॉप पर लिखिए, ऐसा ही एक श्लोक है हमारा वात रक्त के लिए, न ही बस्ती समम किंचित, लिखिए न ही बस्ती समम किंचित, न ही बस्ती समम किंचित वात रक्त चिकित्सितम, वात रक्त चिकित्सितम। और थर्ड लाइन में श्लोक की हाईलाइट करना 7 नंबर की, षड अस्थापन स्कंदान विमाने द्वो अनवासन स्कंद वाहिनम, इतना हाईलाइट किया, यानी विमान स्थान के जो 8वां अध्याय था लास्ट, उसमें हमने स्कंद पढ़े थे जो अस्थापन वाले हैं, 6 स्कंद अनुवासन में 2 ऐसे बताए थे कॉम्बिनेशन, तो अनुवासन के जो 2 स्कंद पढ़े हैं उनका यूज करना है। और फोर्थ लाइन में देखना महामरिम परिपालनार्थ प्रयोजित वात व्याधि चिकित्सा, यानी वात व्याधि की जो चिकित्सा बोली गई है वो आपको महामर्म के पालन में भी यूज करनी है। तो महामर्म
और त्रिमर्म एक ही बात है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आता है इसमें चिकित्सा बोली गई है 8 नंबर श्लोक में, देखिए 8 नंबर श्लोक में। अब ये तो कॉमन चिकित्सा बोली है पिछले वाले श्लोक में हमारी, अब इनको स्पेसिफाई करके बोला कि अगर हृदय पर आघात होगा तो क्या करेंगे, सिर पर होगा तो क्या करेंगे। हिंदी में हम देखेंगे इसको, यदि हृदय वात आदि दोषों से दूषित हो जाए तो घृत में भुनी हुई जो हींग है उसके चूर्ण को 5 नमक में से किसी एक नमक के साथ मिलाकर बिजोरा नींबू आदि के रस या फिर जो भी खट्टे पदार्थ हैं उनके रस में मिलाकर हृदय के लिए हितकर है पीने को देना चाहिए। फिर है हमारा 6th लाइन में, देखिए सॉरी 7th लाइन में लिखा है, मस्तक प्रदेश में अगर वायु कुपित हो जाए तो सिर पर वातनाशक तेल है जो उनका मालिश करना, स्वेदन करना, उपनाहन देना है, स्नेह पान, नस्य कर्म, धूम पानी सब कराते हैं हम। फिर उसके बाद यदि बस्ती में वायु भर जाए तो कुंभी स्वेद फलवर्तियों का यूज किया जाता है, बस्ती देनी होती है आपको, ये याद रखना है। फिर देखिए 9 नंबर श्लोक में हाईलाइट करना, 9 नंबर श्लोक में हृदय मुद्दी बस्तो च निर्णाम प्राण प्रतिष्ठता, प्राण प्रतिष्ठित होते हैं किनमें, हृदय सिर और बस्ती में। 10 नंबर श्लोक में हाईलाइट कीजिए, अबाध वर्जनम नित्यम स्वस्थ वृत्तानुवर्तनम, अबाध वर्जनम, जो भी बाधा करने वाली चीजें हैं उनका क्या करना है, वर्जन त्याग कर देना है, ठीक है। और स्वस्थ वृत्तानुवर्तन, जो स्वस्थ वृत्त है उसका पालन करना है आपको। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें देखिए 14 नंबर श्लोक, 14 नंबर श्लोक में आप हाईलाइट कीजिए, कपोत ईव पूजेश निसंगम सो अपतंत्रक, ये आपने हाईलाइट किया। आपको पूछेंगे कपोत ईव कूजन किसका लक्षण है, तो वो हमारा है अपतंत्रक का। देखिए कपोत में क्या वर्ड आ रहा है, क, तो अपतंत्रक का लास्ट वर्ड क है, आप तो अपतंत्रक में कपोत ईव कूजन आप यही लिख लीजिए, पारावत ईव कूजनम, पारावत के समान कूजन करता है तो हमारा क्षतज कास में आएगा, क्षतज कास, पारावती पूजनम क्षतज कास का है, कपोती पूजन अपतंत्रक का। फिर 15 नंबर लाइन हमारी हाईलाइट कर लीजिए आप, हृदय मुक्त नर स्वस्थम याति मोहम वृते पुनः वायुनाम दारुणम प्र आहु एके अपतानकम। क्या बोलते हैं कि जब जो प्रकुपित हुई वायु है वो हृदय में जाएगी तो मतलब रोगी को क्या होगा, सारे सिम्टम्स आएंगे, और जब हृदय से हट जाएगी तो वो ऐसा लगेगा उस व्यक्ति को कि वो बहुत हेल्दी है। तो ये है हमारा कौन, अपतंत्रक के बारे में। और कुछ विद्वान वायु से होने वाले इस भयंकर रोग को अपतानक कहते हैं, ऐसा बोला। तो इन्होंने अपतानक और अपतंत्रक में कोई ऐसा डिफरेंस बताया नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 16 नंबर श्लोक में, देखिए पेज नंबर 1056, इसमें बोला अपतंत्रक की चिकित्सा में हाईलाइट करना, स्वशनम कफ वाताभ्याम रुद्धम तस्य विमोक्षेत, यानी कफ और वायु द्वारा रुके हुए जो श्वास है, श्वसन है, जो वो कफ और वात से रुक गया है उसके लिए आपको क्या करना है, तीक्ष्ण प्रध्वने को हाईलाइट किया, तीक्ष्ण प्रध्वन नस्य देना है पेशेंट को अपतंत्रक के। फिर हमारा 17 नंबर श्लोक में शिरो विरेचन नस्य में, जैसे मरीच है, शिग्रु बीज है, विडंग है, फाणिज्य है, इनका चूर्ण करके जो है वो नस्य देने को बोला है। नेक्स्ट आता है हमारा 21 और 22 नंबर श्लोक की हिंदी में, देखिए आप हिंदी में क्या बोला गया यहाँ पे, तंद्रा के कारण और संप्राप्ति, ठीक है। इसमें क्या है, मधुर स्निग्ध गुरु अन्न का अगर सेवन करें, अधिक चिंता श्रम शोक बहुत मतलब एक ही व्याधि से पीड़ित हो तो कुपित हुई वायु कफ को बढ़ाकर हृदय में आएगी और हृदय में आश्रित जो ज्ञान वायु श्रोत से उनको आच्छादित करके तंद्रा रोग की उत्पत्ति कर देगी। तंद्रा क्या है, मतलब नींद भी निद्रा की अवस्था नहीं है लेकिन जो इंद्रियां है वो अपने विषय को ग्रहण भी नहीं कर रही, मतलब कुछ पता भी नहीं चल रहा पेशेंट को, ऐसे बैठे बैठे जो सो जाते हैं ना, मतलब
पूरी नींद में भी नहीं है और कॉन्शियस भी नहीं है कि जो उनको बताया जा रहा है, जो उनसे बात की जा रही है, इसको वो समझ सके। तो वो तंद्रा की सिचुएशन है। उसमें वात क्या होगा, कफ को बढ़ाकर हृदय में ले जाता है। लक्षण में देखना आप 23 नंबर श्लोक में हाईलाइट करना, हृदय व्याकुली भावो। हृदय क्या हो जाता है, व्याकुल। वाक चेष्टम इंद्रिया गौरवम, जो वाक है, जो इंद्रिया है, चेष्टाएं हैं, उनमें भारीपन होगा। मनो बुद्धिम अप्रसादश्च को हाईलाइट किया आपने, मन बुद्धि अप्रसादश्च, जो मन है और बुद्धि है उनमें प्रसादन नहीं होता, मीन्स प्रसन्नता नहीं होती, ये तंद्रा का लक्षण है हमारा। नेक्स्ट है 24 नंबर श्लोक में, तंद्रा की चिकित्सा क्या की जाएगी। तो तंद्रा रोग में क्या करना है, आपने कफ नाशक शोधन करना है। कफग्नम तत्र कर्तव्यम शोधनम शमनानी च, शमन चिकित्सा करनी है। और व्यामो रक्त मोक्षणश्च को आपने हाईलाइट किया, तंद्रा में रक्त मोक्षण करने को बोला गया है। ठीक है, तो हृदय से आश्रित जो हमारी है, जैसे अब तंत्रक का वर्णन कर दिया, तंद्रा का वर्णन कर दिया यहाँ पे। अब हमारा आता है बस्ती के रोग हैं जो उनको काउंट यहाँ पे कराया गया है। तो आप हिंदी में देख सकते हैं बस्ती रोग या मूत्र दोष करके आप तो पूछेंगे। तो कौन कौन से, मूत्रोक्षाद, मूत्र जठर, मूत्र कृच्छ बताया, मूत्रोत्संग, मूत्र क्षय, मूत्रातीत, वातष्ठिला, वात बस्ती, उष्ण वात, वात कुंडलिका, मूत्र ग्रंथि, विड विघात और बस्ती कुंडल। तो बस्ती कुंडल को आपने हाईलाइट किया, और 3 नंबर जो है आपका मूत्रकृच्छ, इसको हाईलाइट किया, मूत्रकृच्छ और बस्ती कुंडल, इनको हाईलाइट किया आपने। फिर यहीं लिखिए आप सुश्रुत, चाहे पेज के टॉप पर लिख दीजिए सुश्रुत, बस्ती कुंडल, बस्ती कुंडल, मूत्र कृच्छ नहीं माना। आचार्य सुश्रुत ने बस्ती कुंडल भी नहीं माना और मूत्र कृच्छ भी नहीं माना। मूत्र शुक्र एक्स्ट्रा बताया, ऐसे करके लिख लीजिए, उन्होंने मूत्र शुक्र एक अलग बताया है। तो ये 25 और 26 नंबर श्लोक के पास मूत्र दोष या बस्ती रोगों की काउंटिंग की गई है। तो चरक के अकॉर्डिंग ही होते हैं 13, सुश्रुत के अकॉर्डिंग होते हैं 12। लिखिए सुश्रुत 12। ठीक है, तो एक पेज के टॉप पर राइट या लेफ्ट कहीं भी आप लिख सकते हैं। एक चीज लिखनी है आपको, क्या है, जब हम अष्टोदरीय अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पे क्या है, अष्टो मुत्रा घाता करके बोला हुआ है कि मुत्रा घात 8 होते हैं। तो अगर जैसे आपको क्वेश्चन आता है चार चरक के अकॉर्डिंग मुत्रा घात, तो 8 होते होंगे। सपोज 8 है ही नहीं ऑप्शन में, तब आप ये 13 को टिक करेंगे, मतलब मूत्र दोष या बस्ती दोष हैं जो वो हमारे 13 बताए गए हैं। आप लिखिए चरक और एरो करके लिखना 8 मुत्रा घात, चरक आचार्य ने अष्टो मुत्रा घात बोला। फिर लिखिए सुश्रुत, सुश्रुत लिखिए मुत्रा घात 12, मुत्रा घात 12, 12 टाइप्स बोले, और मूत्र कृच्छ 8। आचार्य सुश्रुत ने मूत्र कृच्छ 8 प्रकार का। फिर लिखिए वागवत, मुत्रा घात 20, वागवत मुत्रा घात 20 बताए उन्होंने। सारी जो है काउंट, जो मूत्र रोग है, वो सारे इसी में कर लिए हैं। तो चरक ने 8 मूत्राघात, सुश्रुत ने मूत्र कृच्छ 8 और मूत्राघात 12, और वागवत ने मूत्राघात है जो वो 20 बताए हैं। नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारा 28 नंबर श्लोक में, देखिए 28 में यहाँ पे बोला मूत्रोक्षाद का लक्षण। यहाँ पे सदाहम श्वेत सांद्रम, मतलब बस्ती में गई हुई जो वायु द्वारा है, वो पित्त और कफ या पित्त कफ दोनों का संघात, जो संयोग है, उसकी वजह से रक्त वर्ण का या पीले वर्ण का गाढ़ा मूत्र आएगा, तो सांद्र मूत्र प्रवृत्ति, और श्वेत वर्ण का या फिर सांद्र दाह युक्त मूत्र निकलता है। ठीक है, तो इसमें आपको ट्रीटमेंट कैसा करना है देखना। लास्ट वर्ड देखिए 28 नंबर श्लोक का, पित्त श्लेष्म हरेर जीत, यानी पित्त कफ नाशक चिकित्सा करनी चाहिए। तो मूत्रोक्षाद आपने हाईलाइट किया हेडिंग, और श्लोक का लास्ट वर्ड पित्त श्लेष्म हरे जेत को हाईलाइट कर सकते हैं, पित्त और कफर चिकित्सा करने को बोला।
इसमें आप देखिए हमारा विमर्श में, विमर्श की सेकंड लाइन लास्ट की तरफ देखना, माधव निदान के अकॉर्डिंग बता रहे हैं मूत्र साध में, सदाहम रोचना शंख चूर्ण वर्णा, रोचन और शंख चूर्ण के जैसा होगा वो मूत्र साध में बताया माधव ने। अब आप देखिए फोर्थ लाइन सुश्रुत ने, लास्ट की तरफ देखना, लिखा है सुश्रुत ने विशदम पीतकम मूत्रम सदाहम बहलम तथा शुष्कम भवती यच्च अपि रोचन चूर्ण सन्निभय को हाईलाइट किया आपने, रोचन चूर्ण सन्निभव गोरोचन के जैसा होगा। फिर मूत्रोक साधम तम विद्यात रोगम पित्त कृतम बुध है, यानी पित्त की वजह से होने वाला ये। फिर पिच्छलम सहतम श्वेतम तथा कृच्छ प्रवर्तनम शुष्कम भवती यच्चपि शंख चूर्ण प्र पांडुरम को आपने हाईलाइट किया, शंख चूर्ण प्र पांडुरम ये हमारा कफज मूत्र कृच्छ है। आप पेज के टॉप पर लिख दीजिए इसको सुश्रुत, एरो करके मूत्रोक्साद। आचार्य सुश्रुत ने मूत्रोक्साद के लिए क्या बोला, उस मूत्रोक्साद से दो एरो आप निकाल दीजिए, पहले एरो पे लिखिए पित्त, दूसरे पे कफ। पित्त के आगे लिखिए रोचन चूर्ण सन्निभा, पित्त में इंपॉर्टेंट लक्षण बताया रोचन चूर्ण सन्निभा, और फिर दूसरे एरो पे आपने लिखा कफ, कफज जो मूत्रोक्साद है उसमें इंपॉर्टेंट लक्षण है शंख चूर्ण प्र पांडुरम, शंख चूर्ण के जैसा मूत्र होगा और पांडुवर्ण का होगा, प्र पांडुरम। नेक्स्ट है हमारा मूत्र जठर, तो 30 नंबर श्लोक की सेकंड लाइन को आप हाईलाइट करना, मूत्र विरेचनी तत्र चिकित्सा, मूत्र विरेचनी यानी मूत्र जो औषधियां हैं डायरेटिक्स हैं जो उनका यूज करना चाहिए, किसमें मूत्र जठर हेडिंग को आपने हाईलाइट किया, मूत्र जठर में आप मूत्र विरेचनी चिकित्सा करते हैं। नेक्स्ट है हमारा 31 नंबर श्लोक की हेडिंग को हाईलाइट करना, हिंगूद विरुत्तर का प्रयोग, हिंगूद विरुत्तर का प्रयोग चिकित्सा स्थान में त्रिमर्म्य नामक 26 अध्याय में इसका चूर्ण बता दिया, मतलब उदावर्त में यूज किया था वहां पे, तो यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं उसका ऐसा बताया। फिर है हमारा देखिए 32 नंबर श्लोक में मूत्र कृच के बारे में बताया गया, मूत्र कृच के कारण संप्राप्ति और लक्षण, मूत्र का वेग आने पर जो व्यक्ति बिना मूत्र त्याग के मैथुन में प्रवृत्त होगा तो बढ़ी हुई वायु के द्वारा अपने स्थान से जो शुक्र है वो मूत्र से पहले या पीछे गिरता है उसे मूत्र कृच्छ बोला। विमर्श में देखिए, विमर्श में इसे कृच्छ न मानकर, मतलब मूत्र कृच्छ न मानकर सुश्रुत और वाग्भट ने मूत्र शुक्र बताया है। वाग्भट ने क्या बोला, मूत्रम तस्य स्त्रियम या तो वायुना शुक्रम उद्धतम स्थानाच्युतम मूत्र यतः प्राप्यम च यद्वा प्रवर्तते, भस्मोदक प्रतिकाशम को आपने हाईलाइट किया, भस्मोदक प्रतिकाशम मूत्र शुक्रम तदुच्यते सुश्रुत, तो भस्मोदक प्रतिकाशम ये जो लक्षण है ये वाग्भट ने भी बोला, फिर आगे बोला ना सुश्रुत ने। और नेक्स्ट पेज पे देखिए, नेक्स्ट पेज फर्स्ट लास्ट लाइन में भस्मोदक प्रतिकाशम, तो आपसे पूछा जाए भस्मोदक प्रतिकाशम, आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग जो हम पढ़ते हैं ना मूत्राघात वाले टाइप्स, उनमें बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है ये, भस्मोदक प्रतिकाशम पूछा जाता है, शंख चूर्ण प्र पांडुरम या रोचन चूर्ण सन्निभव कौन सा, ये पूछे जाते हैं, याद रखने आपने। नेक्स्ट है हमारा मूत्र संघ के लक्षण करके लिखा हुआ है, इसमें आप देखिए हिंदी में देखेंगे हम थर्ड लाइन में, हिंदी थर्ड लाइन, रुका हुआ मूत्र कुछ देर बाद बिना वेदना के अत्यधिक वेदना के साथ निकलता है, इस रुके हुए मूत्र के कारण मूत्र इंद्रिय में गुरुता होगी और मूत्र की धारा टूट कर आएगी, ऐसा बोला। फिर है 34 नंबर श्लोक, इसमें मूत्र क्षय का लक्षण, तो वात वात आकृति भवेत वातान मूत्रम सुष्यते स क्षयम, यानी वायु के द्वारा जब मूत्र का शोषण हो जाए, वायु क्या कर लेती है मूत्र को सुखा देती है, तो मूत्र क्षय उसको बोलते हैं, और इसमें वातजी लक्षण पाए जाएंगे, यानी वातम आकृति, आकृति मीन्स लक्षण, वात वाले ही होंगे। आप देखिए विमर्श में फोर्थ लाइन में, विमर्श फोर्थ लाइन में मूत्र क्षय का लक्षण सुश्रुत और वाग्भट ने बताया बताया है। फिर उसके बाद
नेक्स्ट लाइन में देखना, फिफ्थ लाइन में सुश्रुत ने बताया यथा बस्ती तो दो अल्प मूत्रता, इसको अंडरलाइन किया, बस्ती तो दोगा और अल्प मूत्रता होगी अगर मूत्र का क्षय हो गया। नेक्स्ट लाइन में चरक ने भी सूत्र स्थान के जो 17वां अध्याय है वहां पे क्या बताया, मूत्र क्षय मूत्र कृच्छे मूत्र व्यवर्ण्यम च ये बताया है, और पिपासा बाध्यते च अस्य मुखम च परिशुष्यति, मुख में क्या होगा सूख जाएगा मुख, ये चरक आचार्य ने मूत्र क्षय के में बताया। आप यही लिखिए शुक्र क्षय, जब चरक ने शुक्र क्षय की बात की तो वहां पे वर्ड आया था मुख शोष, और मूत्र क्षय में आपको याद रखना वर्ड है मुखम च परिशुष्यति, ऐसे करके। नेक्स्ट उसके बाद है हमारा 36 नंबर श्लोक में वातष्ठीला की संप्राप्ति और लक्षण करके लिखा। इसमें आप हिंदी की सेकंड लाइन लास्ट में देखना, जो वातष्ठीला उसकी वजह से क्या होगा, मूत्र और मल के मार्ग हैं जो उसमें रुकावट होती है। फिर है हमारा देखिए वात बस्ती के लिए बोला 37 में, मूत्र के वेग को रोकने का अभ्यास जिन व्यक्तियों को पड़ जाता है तो मूत्र वेग के रोकने की वजह से बस्ती प्रदेश में वायु कुपित हो जाएगी, ऐसी दशा में वह मूत्र में रुकावट वेदना या कंडू उत्पन्न करती है, तो वात बस्ती। आप देखिए विमर्श में सुश्रुत ने ऐसे करके लिखा है ना, तो सुश्रुत ने क्या बोला सेकंड लाइन लास्ट की तरफ देखना, वात बस्ती च विज्ञो व्याधि कृच्छ प्रसादन, कृच्छ प्रसादन व्याधि बोली है वात बस्ती को। नेक्स्ट है हमारा उष्णवात, उष्णवात में देखिए आप पित्त के साथ कुपित हुई वायु पित्त की उष्मा से मूत्र का शोषण करेगी तो कठिनाई से रक्त या पीतवर्ण का मूत्र निकलता है, बस्ती और मूत्र इंद्रिय प्रदेश में वेदना और दहाई से उष्णवात कहा। नेक्स्ट है हमारा इसमें देखिए आप 41 नंबर श्लोक, 41 नंबर श्लोक ये जिसकी हेडिंग है हमारी रक्त ग्रंथि का लक्षण लिखा हुआ है, तो हेडिंग को आप हाईलाइट कर लीजिए एक बार, हेडिंग को आपने हाईलाइट किया रक्त ग्रंथि का लक्षण, या फिर इसको मूत्र ग्रंथि भी बोलते हैं, तो स्लैश करके मूत्र ग्रंथि भी लिख लीजिए, मूत्र ग्रंथि या रक्त ग्रंथि का लक्षण जहां पे लिखा हुआ है ना इसके ऊपर श्लोक की लाइन देखना, अश्मरी शम शूलम को हाईलाइट कर लीजिए, अश्मरी के समान इसमें पेशेंट को पेन होगा, वो क्या है हमारी रक्त ग्रंथि होती है या मूत्र ग्रंथि आएगा आंसर, अश्मरी के समान जब शूल होगा। फिर नेक्स्ट पेज पे आइए हम 1062 पेज पे, फर्स्ट लाइन है जो श्लोक की उसमें लास्ट दो वर्ड हाईलाइट करना, स्थूलम तिष्ठति गर्भवत, बस्ती कुंडल में क्या हेडिंग क्या है हमारी बस्ती कुंडल, तो बस्ती कुंडल में बस्ती कैसी हो जाएगी स्थूल तिष्ठति गर्भवती, यानी जैसे गर्भ होता है ना उसके समान मोटी। सेकंड लाइन में शूल शूल स्पंदन दहार, तो यानी उसमें पेशेंट को शूल होगा स्पंदन होगा और दाह होगा। बिंदुम बिंदुम स्त्रव्यति अपि को हाईलाइट किया, यानी मूत्र जो होगा बूंद बूंद करके आता है उसमें, और नेक्स्ट लाइन में देखना बिंदु बिंदु स्त्रवेति अपि के जस्ट नीचे हाईलाइट कर लीजिए घोरम शस्त्र विषोपम, इस व्याधि को घोर बताया है यानी कृचता से जो ठीक होगी, कैसी होती है शस्त्र और विष के समान बोली गई है। फिर इससे आगे की तरफ क्या लिखा, पवन प्रबल है बात की प्रधानता है, फिर दुर्निवार अबुद्धि भी, जो अल्प बुद्धि वैद्य है उनके द्वारा तो दुर्निवार रहे यानी ठीक नहीं हो पाएगी ये, और इसमें आपने ये चार जो लक्षण है ये हाईलाइट किए, स्थूलम तिष्ठति गर्भवत, शूल स्पंदन दहार, तो बिंदुम बिंदुम स्त्रव्यति अपि, और घोरम शस्त्र विषोपम, इनको आप हिंदी से भी पढ़ सकते हैं वैसे तो, हिंदी की थर्ड लाइन से देखिए लिखे हुए हैं, जो बस्ती है वो मोटी हो जाएगी लास्ट की तरफ गर्भ के समान होगी, ऐसी दशा में रोगी को उदर शूल स्पंदन दहा होती है, बूंद बूंद मूत्र प्रवृत्ति। और फिर देखिए आप ऊपर से हमारी 7th लाइन में लास्ट की तरफ शस्त्र और विष के समान वायु की प्रधानता अल्पज्ञ से ये दुर्निवार्य है। देखिए आप
ऊपर से 10th लाइन है ना जो हमारी 10 नंबर लाइन, यदि इस रोग में हाईलाइट करना पित्त का संबंध होता है, मतलब वात वस्ती में क्या है, सॉरी वस्ती कुंडल में क्या प्रधानता वात है की है, लेकिन अगर पित्त का संबंध हो तो हाईलाइट करना दाहा शूल और मूत्र में विवर्णता होगी, और कफ का संबंध है, हाईलाइट किया इसको भी, कफ का संबंध है तो मूत्र इंद्रिय में भारीपन शोथ होगा और मूत्र चिकना गाढ़ा और श्वेत वर्ण का हो जाता है। तो यदि बस्ती का द्वार कफ से आवृत हो तो ये असाध्य हो जाता है, यदि इस रोग में पित्त की प्रधानता हो जाए तो भी असाध्य होता है। मतलब नॉर्मल था, वैसे तो सबसे भयंकर बोला इसको बस्ती कुंडल को, तो जब इसमें कफ और पित्त का संयोग हो जाए, यानी कफ भी प्रधान हो गया या फिर पित्त प्रधान हो गया, तो इस ये असाध्य की कंडीशन में आ जाता है। नेक्स्ट है इसकी चिकित्सा, 49 नंबर श्लोक में राइट पेज पे लिखा है बस्ती कुंडल की चिकित्सा। तो श्लोक की पहली लाइन में देखना, मूत्र कृच्छ हरम जयेत को हाईलाइट किया आपने, मूत्र कृच्छ नाशक चिकित्सा करनी है और बस्तिम उत्तर बस्ती, और बस्ती देनी है उसमें भी स्पेसिफिक उत्तर बस्ती का प्रयोग करने को कहा गया है। तो ये दो वर्ड आपने हाईलाइट किए बस्ती कुंडल में, मूत्र कृच्छ हर और उत्तर बस्ती है जो उसका प्रयोग कराया जाता है। 50 नंबर श्लोक में देखिए हाईलाइट करना, पुष्प नेत्रम तु हेमम, हेम बोला जाता है स्वर्ण को, सोने को, तो उत्तर बस्ती में जो पुष्प नेत्र है वो स्वर्ण का बना होना चाहिए, ऐसा आचार्य चरक बोलते हैं। नेक्स्ट लाइन में देखिए, जाति अश्वहन वृंतेन, जो जाति है मतलब चमेली है, अश्वहन जो है वो बोला जाता है अश्व मार या अश्वन कनेर को, तो कनेर की जो वृंत है ठीक है उसके समान होना चाहिए जो बस्ती नेत्र है। गोपुच्छ संस्थितम को आपने हाईलाइट किया, शेप कैसी हो, गाय की पूंछ जो होती है ना उसके जैसा, रौप्यम वा या फिर चांदी का होना चाहिए, तो कौन सी, स्वर्णी या फिर जो चांदी है रजत है उसका बना होना चाहिए, गोपुच्छ जैसा होना चाहिए। हाईलाइट करना सर्षप छिद्रम, सर्षप के छिद्र निकलने जितना जो है वो छिद्र हो उसमें, द्विकर्णम द्वादश अंगुलम को हाईलाइट किया, दो कर्ण वाला और 12 अंगुल लंबा होना चाहिए, और तेन बस्ती युक्तेन स्नेह अर्धपलम नेत को आपने हाईलाइट किया, और अर्धपल जो है वो स्नेह बस्ती यूज करनी है। ये जो सारे पॉइंट्स है ये आप क्या कीजिए, जो हिंदी है उसमें भी हाईलाइट कर लीजिए, श्लोक भी और हिंदी में भी। पहली लाइन में देखिए पुष्प नेत्र सोने का ये हाईलाइट किया, फिर लास्ट में चमेली और कनेर के फूल के वृंत के समान, सेकंड लाइन लास्ट में ही आकृति गाय की पूंछ इतना हाईलाइट किया, थर्ड लाइन में लास्ट की तरफ लिखा पुष्प नेत्र चांदी का होना चाहिए, फिर है हमारा फोर्थ लाइन में इतना मोटा छिद्र होना चाहिए कि सरसों बाहर निकल सके, तो सरसप छिद्र, यूपीएससी में पूछा है ये क्वेश्चन कि उत्तर बस्ती में जो छिद्र प्रमाण है वो कितना, तो सरसप छिद्र, सरसप के निकलने जितना होना चाहिए। नेक्स्ट लाइन में हाईलाइट करना 12 अंगुल लंबा, जो उत्तर बस्ती नेत्र है वो 12 अंगुल लंबा और द्विकर्णिका से युक्त होगा, और इसके जस्ट नीचे लिखा है हाईलाइट के आपने आधा पल स्नेह को मूत्राशय में प्रविष्ट करना है। आप यहीं पे लिखिए सुश्रुत, सुश्रुत एरो करके लिखना 14 अंगुल लंबा, जो उत्तर बस्ती नेत्र है वो सुश्रुत ने बोला था 14 अंगुल लंबा, चरक ने बोला है 12 अंगुल और वाग्भट भी 12 अंगुल लंबा, 12 अंगुल लंबा। और चरक आचार्य ने क्या प्रमाण कितना बोला, अगर स्नेह यूज करोगे तो अर्धपल यूज करना है उत्तर बस्ती में, अर्धपल। फिर आता है हमारा इसमें उत्तर बस्ती है जो उसको देने की जो है वो विधि यहाँ पे बताई गई है। आप देखिए 55 नंबर श्लोक में, 55 नंबर श्लोक, तत शेफ प्रमाणेन को आपने हाईलाइट किया, तत्र तस्वरी ततः शेफ प्रमाणेन पुष्प नेत्रम परिवेशित, जो पुष्प नेत्र है या उत्तर बस्ती नेत्र है उसको कितना प्रवेश कराना है शेफ प्रमाण में, जैसे शेफ जो होता है उसके अकॉर्डिंग एंटर कराना होता है उसको, तो वो कितना है यहाँ पे लिखिए आप, ये तो चरक ने बोला, सुश्रुत ने लिखिए बॉटम पे लिखना सुश्रुत, पुरुष में उत्तर बस्ती नेत्र
सुश्रुताचार्य बोलते कि पुरुषों में उत्तर वस्ती नेत्र जो यूज करना है आपने वो कितना 6 अंगुल प्रवेश करना है, मतलब लंबाई तो उसकी 14 अंगुल बोली, लेकिन अगर वो आप सोचे कि जो शेप है उसमें एंटर कितना कराना है तो 6 अंगुल प्रवेश कराने को उन्होंने बोला है। नेक्स्ट देखिए पेज पे 1064 पे फर्स्ट लाइन लास्ट में सुखपूर्वक रोगी को बैठाना है, मूत्र जो मूत्र इंद्रिय उसको रिष्ट करके स्निग्ध करके शलाका से मूत्र मार्ग का पता चलाना है, फिर उसमें मूत्र इंद्रिय की लंबाई के अकॉर्डिंग पुष्प नेत्र यूज करना है। नीचे से आप देखिए फिफ्थ लाइन लास्ट में जब उत्तर वस्ती द्वारा प्रयुक्त स्नेह बाहर निकल जाए तो द्वितीय और तृतीय वस्ती तो आवश्यकता अनुसार अनेक वस्तियां देनी चाहिए, अगर उत्तर वस्ती द्वारा दिया गया स्नेह बाहर ना निकले तो उपेक्षा कर दें। रात भर बिता देने के बाद दूसरे दिन प्रातःकाल आगे बताई हुई जो वर्ती है उसको प्रयोग कराना है। कौन सी वर्ती है हाईलाइट कर लीजिए, पिपल्या आदि वर्ती यूज करनी है, पिपल्या आदि वर्ती। अगर जो हमने उत्तर वस्ती दी वो नहीं निकलती है तब आपने देनी है पिपल्या आदि वर्ती। तो इसको कैसा बोला है 59 नंबर श्लोक में देखिए सेकंड लाइन में अग्रे तू सर्षपा कारम को हाईलाइट किया, ये जो वर्ती आप बना रहे हो आगे की ओर से तो सर्षप के समान हो, और पश्चार्धे माश सम्मितम और पीछे की ओर से माश उड़द जो होती है उसके जैसी होनी चाहिए, आगे से सर्षप और पीछे से उड़द के जैसी। नेत्र दीर्घा घृत अभ्यक्तम, इसको क्या करते हैं हम घृत से अभ्यंग करके मतलब इसको लुब्रिकेट करके सुकुमाराणाम अभंगुराम यानी सुकुमार व्यक्ति हैं जो उनको देनी चाहिए, कोमल होनी चाहिए वर्ती पर टूटने वाली ना हो, अभंगुराम। ऐसा नहीं है कि आप पेशेंट को एंटर करा रहे हो वर्ती और वो टूट जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और नेत्र मूत्र नाड्या तू पायो च अंगुष्ठ सम्मिताम यानी क्या करना है आपने पिपल्या आदि जो वर्ती है वो गुदा में लगानी है किंतु इसकी मोटाई अंगुष्ठ के समान होनी चाहिए, तो अंगुष्ठ सम्मिताम ये मोटी हो, तो पिपल्या आदिवर्ती के बारे में बोला। नेक्स्ट है हमारा 65 और 66 नंबर श्लोक इम्पोर्टेंट है, इसमें स्त्रियों में उत्तर वस्ती का प्रमाण बताया, तो पुष्प नेत्र प्रमाणम तू प्रमदाम जो स्त्रियां हैं उनमें कितना 10 अंगुलम को आपने हाईलाइट किया, जो पुरुष हैं उनमें तो आचार्य चरक क्या बोलते हैं 12 अंगुल, स्त्रियों में 10 अंगुल बोलते हैं प्रमाण। फिर मूत्र श्रोतस परिणाम मुद्ग श्रोतसो अनुवाही को आपने हाईलाइट किया, कितना होना चाहिए छिद्र का प्रमाण जिसमें से मुद्ग निकल जाए। जो मेल्स हैं उनमें क्या था कि सर्षप छिद्र प्रमाण है और यहाँ पे मुद्ग श्रोतस अनुवाही करके लिखा। फिर 66 में क्या बोला है अपत्य मार्गम नारी नाम हाईलाइट करना, अपत्य मार्ग में स्त्रियों के वीत्रयम चतुरंगुलम को आपने हाईलाइट किया, अगर अपत्य मार्ग में आप दे रहे हो यानी वेजाइनल रूट से अगर आप उत्तर वस्ती उसको दे रहे हो तो स्त्रियों में कितना 4 अंगुल यू एंटर कराते हैं हम पुष्प नेत्र को, और 2 अंगुलम मूत्र मार्ग, और अगर आप मूत्र मार्ग में दे रहे हो यूरिथ्रा से एंटर करा रहे हो तब आपने कितना सिर्फ 2 अंगुल एंटर कराना है। तू बाल्याम तू 1 अंगुलम और बालिकाएं जो होती हैं उनमें सिर्फ मूत्र मार्ग में 1 अंगुल। क्या है जो बालिकाएं उनको तो पर वेजाइनल एग्जामिनेशन भी हम नहीं करते तो वेजाइनल रूट से उनको नहीं देंगे उत्तर वस्ती, जो बाला स्त्रियां हैं ठीक है उनको सिर्फ मूत्र मार्ग में देनी है। अब साइड में थोड़ा स्पेस बचा हुआ है ना यहाँ पे आप लिख लीजिए सुष लिखिए पुरुष 12 अंगुल कोमा सर्षप छिद्र, आपको याद रहेगा पुरुषों में उत्तर वस्ती के लिए क्या बोला 12 अंगुल होना चाहिए और छिद्र प्रमाण सर्षप छिद्र जितना। फिर लिखिए स्त्री में क्या है 10 अंगुल और मुद्ग प्रमाण। फिर स्त्री से 2 एरो कर दीजिए अपत्य मार्ग और मूत्र मार्ग, अपत्य मार्ग में अगर आपको एंटर कराना हो तो 4 अंगुल लिखिए और मूत्र मार्ग में लिखिए 2 अंगुल। फिर है हमारा बाला लिखिए बाला मूत्र मार्ग में 1 अंगुल, बाला जो होती हैं बालिकाएं जो हैं उनमें मूत्र मार्ग में ही देते हैं अगर उत्तर वस्ती देनी पड़े, वो भी जो
बस्ती नेत्र है वो कितना, एक अंगुल एंटर कराते हैं शरीर में, जो मूत्र मार्ग है उसका मतलब उसमें। नेक्स्ट पेज जो है हमारा, इसमें 67, 68 और 69, अब यहाँ पे स्त्रियों में उत्तर बस्ती देने की जो है वो विधि बताई गई है। तो लिथोटॉमी पोजीशन में लेटा के हम देते हैं उसको, फिर स्नेह जो बस्ती आपने दे दी, अगर वो नहीं निकले वो वैसे ही बताया गया, अगर नहीं निकले तो पिपल्यादिवर्ती का प्रयोग करना है, धीरे धीरे थोड़ी ये मात्रा बढ़ाती जानी है आपको, जो हम देते हैं ना स्नेह की मात्रा इसमें। तो ये हमारे क्या हो गए, मूत्र जो विकार है वो यहाँ पे खत्म हो गए, हृदय वाले हो गए, बस्ती के विकार हो गए। अब हमारा जो है वो सिर के विकार इसमें आते हैं। देखिए आप राइट पेज पे 71 से 73 नंबर श्लोक में शंखक के बारे में बोला गया है। तो शंखक के लिए पहले क्या बोला, रक्त पित्त अनिल दुष्ट, यानी रक्त पित्त और वायु की वजह से होता है शंखक। और नेक्स्ट लाइन में देखना, श्लोक नंबर 72 और सेकंड लाइन हाईलाइट कर लीजिए, त्रिरात्रम जीवितम हंति शंखको नाम नामतः। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि शंखक का पेशेंट क्या होगा, सिर्फ 3 दिन तक रहता है, मर जाता है वरना, और अगर बच भी जाए तो जीना कठिन हो जाता है, मतलब प्रत्यक्ष कहकर आप चिकित्सा करें उसकी अगर आपको करनी पड़े तो। त्रिरात्रम जीवितम हंति शंखको नाम नामतः, आप पेज के टॉप पर लिखिए रोहिणी, रोहिणी लिखा और उसके आगे एरो करके लिखिए त्रिरात्रम परम तस्य, त्रिरात्रम परम तस्य जंतुर्भवति जीवितम, त्रिरात्रम परम तस्य जंतुर्भवति जीवितम। उसका भी मतलब यही है कि त्रिरात्रि तक ही मैक्सिमम जीता है पेशेंट, तो वो रोहिणी के लिए लाइन आई है। त्रिरात्रम जीवितम हंती पूछे तो शंखक के लिए आई है। और इसमें दोष क्या है हमारे, हिंदी की फर्स्ट लाइन में आप हाईलाइट कर सकते हैं रक्त पित्त और वायु बोली, और फिर हिंदी की जो लास्ट लाइन है उसमें देखना सेकंड लास्ट में विसर्प को दूर करने वाली चिकित्सा करनी चाहिए, यानी शंखक में अगर आपको ट्रीटमेंट करना भी पड़े तो विसर्प को दूर करने वाला चिकित्सा इसमें जो है वो करनी चाहिए। ये जो हमारा लेफ्ट पेज है ना 1066, इस पे एक टेबल हम बनाएंगे। पहले आप लिखेंगे उसमें डिजीज के बारे में, फिर है हमारा कॉलम चरक और फिर है सुषुप्त। तो डिजीज में हमारा लिखे पहले सूर्यावर्त, छोटा छोटा लिखना है सूर्यावर्त। सूर्यावर्त के नीचे आपने लिखना है इसमें शंखक, शंखक, फिर लिखना है अर्धाव भेदक, फिर है अनंतवात। सूर्यावर्त, शंखक, अर्धाव भेदक और अनंतवात। अब लिखिए चरक वाला जो कॉलम है उसमें, तो सूर्यावर्त में आचार्य चरक दोष क्या बोलते हैं, वात और रक्त। शंखक में अभी हमने देखा वात पित्त और रक्त है। अर्धाव भेदक में वी लिखिए, वी वातज और स्लैश करके लिख दीजिए वी के, वातज बोला या उन्होंने बोला है वात कफज। फिर है अनंतवात, अनंतवात लिखिए त्रिदोषज, अनंतवात में तीनों दोष होते हैं। फिर जो सुषुत वाला कॉलम है उसमें देखिए सूर्यावर्त त्रिदोषज है, शंखक में लिखिए त्रिदोषज प्लस रक्तज, वात पित्त कफ तो है ही है प्लस में रक्त भी है इसमें, अर्धाव भेदक भी त्रिदोषज है और अनंतवात भी त्रिदोषज है। सुषुत के अकॉर्डिंग इजी है, त्रिदोष तो सब में है ठीक है, बस शंखक में रक्त और ऐड हो गया। चरक के अकॉर्डिंग याद रखना पड़ेगा आपको, इसी पेज के बॉटम पे देखिए 74 नंबर श्लोक, फिर है 74 का लास्ट वर्ड है कुपितो अनिलः, यानी वायु प्रकुपित हो गई। और नेक्स्ट लाइन में देखना केवलम स कफो, या तो अकेली वायु या फिर कफ के साथ, तो वातज और वात कफज क्या है, अर्धाव भेदक हम पढ़ रहे हैं। तो 74 में देखना 75 के सेकंड लाइन में मन्याभ्र शंख कर्ण अक्षी ललाट अर्धे अति वेदना, इन एरिया के आधे पार्ट में वेदना होगी माइग्रेन जैसा। और नेक्स्ट लाइन में हाईलाइट करना शस्त्र अरणी निभा, शस्त्र अरणी निभा। लाइन में हाईलाइट करना
76 की सेकंड लाइन में हाईलाइट कर लीजिए, नयनम वा अथवा श्रोतम अति वृद्धो विनाशेत। अगर ये व्याधि ज्यादा बढ़ गई तो आंख, नयन मतलब श्रोत्र जो है हमारे कान, श्रोत्र कान नयन आंखें, इनको नष्ट करने वाला होता है, इनको नाश कर देता है। तो अर्धाभेदक के लिए बोला, तो इसमें ट्रीटमेंट क्या करें, चतुर स्नेहो उत्तमा मात्रा, चारों प्रकार के स्नेह उत्तम मात्रा में शिर और काय विरेचन, नाड़ी स्वेद दिया जाता है, घृत दिया जाता है, बस्ती कर्म अनुवासन, बस्ती और अनुवासन बस्ती ऐसा करने को बोला। तो एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऐसी कौन सी व्याधि है जिसमें अंधे या बाधिर्य होता है, मतलब आंखों की शक्ति और कर्ण की शक्ति नष्ट हो जाती है, तो ऐसा अर्धावभेदक में बोला। चरक भी बोलते हैं, अष्टांग हृदय भी बोलते हैं ऐसा इसके लिए। फिर है हमारा सूर्यावर्त के लिए बोला, 79 नंबर श्लोक में, संधारणात अजीर्णम आद्य मस्तिकम रक्त मारुतः को आपने हाईलाइट किया, रक्त और वात, वात और रक्त की वजह से। फिर देखिए आप 81 नंबर श्लोक, 81 नंबर श्लोक लास्ट वर्ड है जो, सर्पी औत्र भक्तिकम को आपने हाईलाइट किया, यानी खाना जो है वो खाने के बाद घृत पान करने को बोला ये चिकित्सा में। तो सूर्यावर्त आपको नॉर्मली पता है, हम सुश्रुत संहिता में अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो दोष याद रखने हैं बस, चरक के अकॉर्डिंग कौन से और सुश्रुत के अकॉर्डिंग कौन से। तो हिंदी में इस, अगर आप इसको देखें सेकंड लाइन, वायु के द्वारा दूषित मस्तिष्क जो है वो सूर्योदय के, जब सूर्योदय होता है तो सूर्य की किरणों की गर्मी है जो उससे पिघल कर बढ़ता है, दिन में वृद्धि होती रहती है सिर की वेदना की, और जैसे जैसे दिन का क्षय होगा तो मस्तिष्क में जो वो मज्जा है वो भी गाढ़ी होती जाएगी, तो सिर की वेदना भी शांत है। सूर्यावर्त, इसकी चिकित्सा जो है वो भोजन के बाद घृत पान करना, शिरो विरेचन, काय विरेचन, सिर पर घृत तेल व समज्जा इनका धारण करना आदि, ये सब बोला है। नेक्स्ट है हमारा देखिए 84 नंबर श्लोक में, 84 यहाँ पे बोला, दुष्ट द्रोषास्त्रयो, दूषित हुए तीनों दोष क्या करेंगे, मन्याप्श घाटाशु वेदना, मन्या में आश्रितों के जो घाटा प्रदेश है यानी जो बैक पोर्शन है नेक में, उसमें वेदना उत्पन्न करेंगे। फिर तीव्रा कुर्वंती च अक्षी भ्रू शंखेशु अवतिष्ठते, आंख अक्षी भ्रू है जो शंख है उनमें तिष्ठित होकर, स्पंदनम गंड पार्श्वस्य, जो गंड पार्श्व उसका स्पंदन करेगी, हाईलाइट करना, नेत्र रोगम हनुग्रह, नेत्र रोग उत्पन्न करेगी हनुग्रह, सो अनंत वातम हन्याद शिरावर्तक नाशने, इसको अनंत वात बोलते हैं और इसमें जो सूर्यावर्त है उसके समान ट्रीटमेंट करनी चाहिए आपको। तो आप यहीं पे लिखिए क्वेश्चन, वह कौन सा रोग है जिसमें नेत्र रोग होते हैं, ऐसा करके भी आपको पूछ सकते हैं। तो देखिए हमारे जो अर्धाव भेदक था उसमें एज अ कॉम्प्लिकेशन क्या होते थे, जो नेत्र हैं और श्रोत्र हैं उनकी शक्ति नष्ट हो रही थी बिल्कुल ही, आंखों की शक्ति भी और कान की भी, तो वो अर्धाव भेदक में था। अगर आपको पूछे नेत्र रोग कौन से रोग की वजह से होते हैं, तो वो अनंतवात है हमारा, अनंतवात। नेक्स्ट है हमारा 88 नंबर श्लोक में आइए, नस्त कर्मशश्च कुर्वीत शिरो रोगेषु, यानी जो शिरो रोग है उनमें नस्य कर्म करना चाहिए, क्यों, क्योंकि द्वारम ही सिरसो नाशा को आपने हाईलाइट किया, सिर का द्वार किसको बोला है हमारे नाशा को, तो द्वारम ही सिरसो नाशा, ये जो बोलने का स्टाइल है चरक का है, और नाशा ही सिरसो द्वारम, अष्टांग अष्टांग हृदय में पढ़ते हैं, ठीक है। तो शिरो रोगों की चिकित्सा के अंदर इन्होंने नस्य को एक्सप्लेन किया। तो 89 नंबर श्लोक में नस्य के पांच भेद बोले, हिंदी में आप हाईलाइट कर सकते हैं, नावन अवपीड धमापन धूम और प्रतिमर्श, ये पांच तरह का। फिर देखिए यहाँ पे बोला गया है हमारा 90 नंबर श्लोक में, स्नेहनम शोधनम चे द्विविधम नावनम स्मृत, जो पहला नावन नस्य वो दो प्रकार का, स्नेहन और शोधन, शोधन स्तंभनीय अवपीड़ो द्विविधा मता, जो अवपीड़ नस्य है वो दो प्रकार का, शोधन और स्तंभन। फिर देखिए चूर्णस्य धमापनम को आपने हाईलाइट किया, चूर्ण के द्वारा जब आप नस्य देते हो तो वो धमापन बोला जाता है, तदही देह श्रोतो विशोधनम को आपने हाईलाइट किया, ये जो हमारी देह और श्रोतस उनका शोधन करता है। तो आपको पूछेंगे देह श्रोतसो विशोधनम कौन सा, धमापन नस्य है। फिर विज्ञा त्रिविदो धूम ताभ्याम शमन आदिकम, धूम नस्य जो होता है हमारा वो तीन प्रकार का होता है, प्रायोगिक स्नेहिक और विरेचनिक, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। फिर प्रतिमर्शो भवेत,
हाईलाइट करना है इसको, प्रतिमर्श नस्य हमारा भवेत स्नेहा निर्दोषम उभयार्थ कृतम। स्नेह देने वाला होता है, स्नेहन करेगा, निर्दोष होता है यानी दोष रहित होगा, उभयार्थ कृत दोनों काम करता है, मतलब स्नेहन भी करता है और शोधन भी करता है। तो नस्य हमारा पांच प्रकार का बोलते हैं आचार्य चरक, और एवं तदेव वनम कर्म तर्पणम शमनम त्रेधा। अब अगर कर्म के अनुसार आपसे पूछा जाए, हिंदी में देखिए आप जहाँ पे लिखा है ना नावन के दो भेद, ये फिर ये स्नेहन शोधन, ये पूरा आप हिंदी में पढ़ लीजिए, हमने श्लोक में आपको बताया। हिंदी की आप देखना सिक्स्थ लाइन में हाईलाइट करना पूरी को, कर्म के अनुसार अगर आपसे पूछे आचार्य चरक के अकॉर्डिंग कर्म अनुसार नस्य के भेद तो वो तीन है, रेचन तर्पण और शमन। तो रेतस से आप याद रख सकते हैं, रे त और श, रे का मतलब रेचन, त का मतलब तर्पण और श का मतलब शमन, तीन प्रकार का नस्य बताया है कर्म अकॉर्डिंग। फिर इन्होंने बताया, आप हिंदी में देख सकते हैं इसको, नेक्स्ट है जो हमारी हेडिंग 95 नंबर श्लोक के नीचे, विरेचन नस्य का प्रयोग। शिर प्रदेश में अगर जकड़ाहट हो, मतलब स्तंभ है, सुप्ति है, शून्यता है, गुरुत्वाद, जकड़ाहट, शून्यता और भारीपन, ये सब हैं, कफ जन्य विकार हैं, तो हाईलाइट करना शिरोविरेचक नस्य आप देते हो, शिरोविरेचक नस्य। फिर उसके बाद है हमारा फर्स्ट श्लोक में भी एक बार देख लीजिए, स्तंभ सुप्ति गुरुत्वाद्य श्लेष्म का ये शिरोगदा शिरोविरेचनम, तो शिरोविरेचन नस्य। नेक्स्ट लाइन में ये चे वातात्मका, वातज रोग है, अगर शिर कंप है और अर्दित है तो उसमें क्या करना है, शिरस तर्पणम तेषु नस्य, तो उनमें तर्पण नस्य देते हैं। BHU में एक बार क्वेश्चन आया था, वो लिख सकते हैं आप यहाँ पे, शिर कंप और अर्दित, शिर कंप और अर्दित में कौन सा नस्य दिया जाता है, शिर कंप और अर्दित में कौन सा नस्य दिया जाता है। ऑप्शन आर रेचन, तर्पण, शमन और लास्ट ऑप्शन है ऑल, रेचन नस्य, तर्पण नस्य, शमन नस्य या फिर सभी। तो तर्पण को आप टिक करेंगे, शिरकंप है, अर्दित है या वातज रोग है तो तर्पण नस्य, कफज रोग है, गुरुता है, सुप्ति है, स्तंभ है तो शिरोविरेचन नस्य दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, इसमें देखिए लिखा है रक्त पित्त आदि रोगेशु शमनम, रक्त पित्त रोग है अगर किसी को तो उनमें शमन नस्य दिया जाता है। तो तीनों के बारे में आपको पता हो, शोधन नस्य कब देंगे यानी रेचन नस्य कब, तर्पण कब और शमन कब देना है। फिर है 98 में यहाँ पे बताएगी नस्य की विधि, तो इसमें हाईलाइट करना प्राक सूर्य मध्य सूर्य वा, यानी सूर्य उदय के पहले या फिर मध्य सूर्य वा, तब आपको क्या करना है, नस्य देना होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे बोला गया, देखिए ये जो हमारा श्लोक नंबर है ना 104 से लेके 107, इसकी हिंदी में देखिए आप, हेडिंग है यहाँ पे धूमपान का प्रयोग, ठीक है, धूमपान का प्रयोग हेडिंग है। इसमें आप देखना ऊपर से सिक्स्थ लाइन में, सिक्स्थ लाइन लास्ट की तरफ, यही विधि प्रधमन नस्य की है, किंतु हाईलाइट करना नस्यार्थ औषध के चूर्ण को 6 अंगुल लंबी नली में डालकर मुख से फूककर औषध दी जाती है। तो प्रधमन नस्य में जो आप नली यूज करते हो, क्या करते हैं हम प्रधमन नस्य में, चूर्ण का यूज करते हैं ना प्रधमन में, तो क्या करना है, आपने 6 अंगुल लंबी एक नली लेनी होती है जिनमें दोनों तरफ छिद्र हो, उसमें चूर्ण रखा जाता है एक साइड और उसको आपके बिल्कुल नाक के पास, और दूसरी तरफ से ब्लॉक कर दिया जाता है, तो वो चूर्ण जो होगा वो अंदर पहुंच जाता है एकदम। तो प्रधमन नस्य में या धमापन में क्या करते हैं, 6 अंगुल लंबी नली का यूज किया जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा 113 और 114 नंबर श्लोक में देखिए, हिंदी में गर्भिणी में नस्य विधि करके लिखा, तो क्षीण देह वाले विरेचन के बाद गर्भिणी में व्याम श्रांत से पीड़ित हैं जो ऐसी दशा में रुक्ष नस्य का अगर आप प्रयोग करते हैं तो वायु उत्पन्न होके, मतलब वायु बढ़ के रोग उत्पन्न करेगी, इसलिए ऐसी दशा में वातनाशक स्नेहन और ब्रीहण और स्वेदन विधियों का प्रयोग, विशेषकर गर्भिणी को नस्य अगर देना हो, यदि गर्भिणी को नस्य देने से वातज रोग हो गए तो हाईलाइट करना घृत और दुग्ध का प्रयोग करना चाहिए, घृत और दुग्ध का प्रयोग। नेक्स्ट है हमारा 115 नंबर श्लोक में तिमिर रोग की उत्पत्ति, शोक
ज्वर और शोक आदि से संतप्त तो मनुष्य है, मद पीने वाले में नस्य का प्रयोग किया गया तो तिमिर हो जाएगा। ऐसी अवस्था में रुक्ष या शीतांजन का प्रयोग लेप और पुटपाक करना चाहिए। फिर है हमारा प्रतिमर्श नस्य के लिए बोला, स्नेहनम शोधनम चेव द्विविधम नामनम मतम। जो नावन नस्य है, मतलब नस्य है दो प्रकार का, स्नेहन और शोधन। प्रतिमर्शस्तु नस्यार्थम करोति न च दोषवान, को आपने हाईलाइट किया। दोषवान नहीं होता, किसी भी प्रकार के दोष को करने वाला नहीं होता प्रतिमर्श नस्य। नस्ते स्नेह अंगुली दद्याद प्रातः निशी च सर्वदा, यानी प्रातः काल या रात्रि में आप इसको कभी भी किसी भी ऋतु में दे सकते हो। ऋतु के अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम, इसमें जो अंगुली होती है उसको स्नेह में डुबोते हैं, और नासिका में जो भी है, जो भी आपके बूंद अब वो गिरेंगे स्नेह के, वो डालते हैं और उसको खींच लिया जाता है। तो प्रतिमर्श नस्य में अगर आपसे पूछे स्नेह की मात्रा कितनी है, या फिर जो नस्य है वो कितनी मात्रा में दिया जाता है, तो दो बूंद डाली जाती है उसमें। तो ये 9th चैप्टर है जो हमारा कंप्लीट होता है।